हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मोदी सरकार में पेटीएम को हुआ हजारों करोड़ का फायदा। प्रतिनिधि बोले, हम बीजेपी आरएसएस के लिए काम करते हैं। ड्रामा बंद करो, पेटीएम करो। यह नोटबंदी के बाद लोगों की समस्याओं को ड्रामा कहते पेटीएम विज्ञापन की टैगलाइन। मोदी सरकार आने के बाद एटीएम से अचानक नकदी गायब हो जाना सामान्य होता जा रहा है। पहले नोटबंदी के दौरान ऐसा हुआ और उसके बाद कुछ समय बाद 18 अप्रैल को ही अचानक देश भर के एटीएम से नकदी गायब हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी विशेष मकसद से ये सब हो रहा है? अचानक बाजार से नकदी इस तरह गायब होने से लोगों को नुकसान हो रहा है, साथ ही समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन क्या ये इस तरह बार बार नकदी के बाजार से गायब होने से मनी ट्रांसफर कंपनियों को जमकर मुनाफा हो रहा है? इसमें पेटीएम सबसे आगे है, तो क्या पेटीएम और मोदी सरकार का कोई संबंध है? कोबरा पोस्ट किस्टिंग ऑपरेशन में अजय शेखर ने खुले तौर पर बता दिया कि वो आरएसएस से सालों से जुड़े हैं और भाजपा के लिए काम करते आए हैं। वरिष्ठ पत्रकार पुष्प शर्मा ने इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहले उन्होंने पेटीएम के नोएडा ऑफिस में जाकर कहा कि वो संघ के एक समर्थित संगठन श्रीमद् भगवत गीता प्रचार समिति के लिए पेटीएम की मदद चाहते हैं। इसके बाद कंपनी के उपाध्यक्ष सुधांशु गुप्ता ने उन्हें अजय शेखर से मिलवाया। पुष्प शर्मा ने जब उनसे संघ के लिए काम करने को कहा तो अजय शेखर ने कहा, वो सब तो हम कर देंगे अगर आरएसएस हमसे कहेगा तो। मतलब क्या बताए, आरएसएस तो हमारे ब्लड में है। अजय शेखर ने ये भी बताया कि वो संघ की शाखा में भाग ले चुके हैं। पेटीएम को हुआ बड़ा फायदा। पेटीएम और मोदी सरकार के संबंधों के चर्चा व्यापारी ही नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन चुका है। नोटबंदी के बाद कंपनी ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया था। साथ ही अगले ही दिन इस निजी कंपनी पेटीएम ने अपने विज्ञापन में पीएम मोदी की तस्वीर लगाई थी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। इसके अलावा पेटीएम अपने उपयोगकर्ताओं को आधार लिंक करने के लिए भी कहता रहता है। साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार भी कंपनी करती रहती है। क्वार्ट्ज इंडिया के मुताबिक हाल ही में आए नकदी के संकट में डिजिटल पेमेंट कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है। बैंगलोर स्थित फोन पे ने बताया कि बाजार में नकदी की कमी के कारण उसके कारोबार में 20% की वृद्धि आई है। पेटीएम भारत की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी में है। कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किरण वासी रेड्डी ने बताया कि इस दौरान कंपनी के कारोबार में बहुत तेजी से वृद्धि आई है। पेटीएम को नोटबंदी के बाद अब तक काफी फायदा हुआ है। नोटबंदी के बाद महज 40 दिनों में पेटीएम के यूजर 2 करोड़ बढ़ गए। नोटबंदी के एक साल के अंदर कंपनी को 11 करोड़ नए यूजर मिले। नोटबंदी से पहले कंपनी प्रतिदिन 17 लाख मनी ट्रांसफर करती थी, जो नोटबंदी के बाद बढ़कर 80 लाख हो गए। गिरता कारोबार संभला। फरवरी 2018 में डिजिटल पेमेंट में गिरावट देखी गई थी। आरबीआई के मुताबिक फरवरी में इनमें 12% की भारी गिरावट आई थी। लेकिन अप्रैल में फिर से अचानक बाजार में नकदी की कमी डिजिटल पेमेंट कंपनियों के कारोबार में भारी इजाफा लाई है। न्यूज़रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।